हे गाइस, वेलकम बैक विद एन अनदर व्लॉग। और जैसे कि आप सब लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे पोलिंग जब मैंने ली थी, तो मैंने ट्रैवलिंग और फूड में से पूछा था आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ का चाहिए। तो 75% लोगों ने कहा था कि हमें फूड ब्लॉग चाहिए। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ एक नई जगह पे, जो कि हमारे भानु भाई ने हमें सजेस्ट करी थी, और जिसका नाम जो हम यहाँ पे खाने के लिए आए हैं वो है यहाँ का मथुरा का बहुत ही बड़ा पराठा, जिसको हम मिस्सा पराठा भी कहते हैं। तो भानु भैया, आपको कैसे पता चला इस जगह के बारे में? आप पहले कभी आए हैं या कैसे? मेरी तो शॉप ही पास में है, तो मैं तो डेली आता हूँ, डेली का कस्टमर हूँ इनका। ओके, भैया भानु भैया हमारे डेली का कस्टमर है, तो भानु भैया ने सजेस्ट किया कि आप भी आओ और टेस्ट करके देखो। तो अभी चलते हैं। तो ये मिस्सा पराठा बेसिकली मैं उन्हीं से पूछूं कि क्या है, या आप बताना कुछ चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो खाने में बहुत मज़ा आता है, बाकी बनाते तो वही हैं, तो वही बता पाएंगे। चलिए ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग चलते हैं। पहले मिस्सा पराठे की हम लोग मेकिंग देखेंगे कि वो बनता कैसे है बेसिकली, और उसका जो साइज़ रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और आ गया बन के बिल्कुल। चलिए ठीक है गाइस, अभी चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने मुझको बहुत ज़्यादा लोगों का एक मतलब कह सकते हैं कि शिकायत है मेरे से कि मैं लोकेशन नहीं बताता हूँ, तो सबसे पहले मैं इस जगह की लोकेशन बता देता हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल ठीक रंगेश्वर मंदिर के पास में, होली गेट रोड पे बिल्कुल रंगेश्वर मंदिर के पास में है, जिसका नाम है श्री ज्योति फूड। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं और मिस्सा पराठा टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं मिस्सा पराठा खाने, और मिस्सा पराठा के साथ हम लोग चीला भी खाने वाले हैं। चलिए तो अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस, ये हमारा मिस्सा पराठा इसके अंदर डल चुका है, और आप लोग इसका साइज़ देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा लग रहा है साइज़। लाइक देखने में ही बहुत अच्छा क्रिस्पी सा पराठा लग रहा है, और साइज़ तो आप लोग देख ही सकते हैं इसका कितना बड़ा है। और ये जो होता है वो पीसेस में मिलता है, देख ग्राम के हिसाब से मिलता है। तो चलिए अपना मिस्सा पराठा लगवाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को कैसा है। सो गाइस, भैया की शॉप का नाम जानते हो, भैया का नाम जानते हैं, भैया आपका नाम? अमित यादव। तो भैया, इसकी शॉप की टाइमिंग्स वगैरह बता दीजिए थोड़ा। 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे। 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो ये भैया मिस्सा पराठा जो बनता है बेसिकली, वो बनता कैसे है? लाइक उसमें होता क्या क्या है, थोड़ा सा कुछ बताइए। आटा, बेसन, सूजी, नॉर्मल तीनों का मिक्सचर करके। अच्छा, तो उसमें कुछ मतलब आपके जो मसाले वगैरह भी कुछ रहते हैं? वो सब्जी में रहते हैं, सब्जी का टेस्ट है। और सब्जी किस चीज़ की रहती है? आलू छोले। तो चलिए गाइस, अभी आलू छोले की सब्जी के साथ मिस्सा पराठा टेस्ट करते हैं। और मुझे यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये बहुत गरम गरम सर्दियों के टाइम पे गरम गरम यहाँ पे मेरे को बड़ा काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। भैया, ये जो पराठा आपका मिलता है, ये किस हिसाब से मिलता है? रेट से मिलता है 100 ग्राम 50 रुपये। अच्छा, तो क्या रेट रहते हैं? 30 रुपये का 100 ग्राम। ओके, सो गाइस, जो पराठे का रेट है वो 30 रुपये का 100 ग्राम रहता है। तो अभी भैया हमारे लिए 100 ग्राम पराठा लगवा दीजिए। सो गाइज, हम लोगों का पराठा बिल्कुल लग चुका है, और इसमें इन्होंने हरी चटनी और हरी चटनी, नींबू। ओके, और छोले भी मिक्स होते हैं इसमें। वैसे तो खैर, भानु भैया को टेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भानु भैया तो रोज़ के गिरा के, बट फिर भी मैं कहूँगा भानु भाई आप टेस्ट करके देखो। और बेसिकली मैं इसको पराठे को जो देख रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं नहीं, ये कचौड़ी का सा थोड़ा सा होता है एकदम। चलो क्रिस्पी, एक बार टेस्ट करके देख करो करो। सो गाइज, फर्स्ट बाइट आप लोगों के नाम कैसा लगा अभी भैया? बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, लाइक ये पराठा कम और कचौड़ी का स्वाद अच्छा ज़्यादा दे रहा है। सब्जी भी लाइक जो और देखा है ना, थोड़ी सी तीखी, मतलब तीखी, अच्छी स्पाइसी होती है, जब ही मज़ा आता है, मज़ा ही जब आएगा जब तीखी होगी। बहुत ही स्वादिष्ट, आप भी टेस्ट करके देखो भानु भाई। तो गाइस, पराठे का टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट है, और सबसे बड़ी बात स्पाइसी है। जिन लोगों को स्पाइसी फूड पसंद हो, वो यहाँ पर आएँ और टेस्ट ज़रूर करें। मैं थोड़ा सा स्पाइसी कम खाता हूँ, तो पहले इसको पराठे को ख़त्म करके, मेरे को गुलाब जामुन वो बहुत देर से दिख रहा है, तो वो गुलाब जामुन ज़रूर खा के जाऊँगा मैं। तो पहले मैं इस पराठे को एंजॉय करता हूँ। और बता दिया भैया ने कि बेसन, सूजी और आटा इसमें मिला के बनाते हैं, और जो इनका मतलब पराठे में बेसिकली ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट जो इनकी जो सब्जी का स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो पराठा एंजॉय करता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों को गुलाब जामुन और टेस्ट कराना है। भानु भैया, आप और मैं एंजॉय करते हैं पराठे को।
का चीला बिल्कुल तैयार होके आ गया है, और जो चीले का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब एक प्लेट में तो बिल्कुल आ भी नहीं रहा। तो चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं। इसमें मीठी सॉल्ट और हरी चटनी, दोनों मिक्स होती है, लो आप भी लो। और पनीर का जो ऊपर से उन्होंने क्रश डाला है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब पनीर के ऊपर एक मसाला भी डलता है, उससे ज़्यादा टेस्ट आता है इससे। तो टेस्ट करके देखते हैं। मुझे तो इनकी पराठा हो या चीला, दोनों चीज़ बेस्ट लगती हैं। जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इनका चाहे क्रिस्पी चीज़ हो चाहे मुलायम मुलायम, मतलब दोनों चीज़ों में स्वाद बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। और इनकी चटनियों में बहुत दम है, चटनियों से इनका टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है, और उस मसाले का टेस्ट ना अलग सा लग रहा है, लगेगा हाँ उसी मसाले से ही इसकी, और थोड़ा सा अदरक का भी जो अलग सा स्वाद आ रहा है। सो गाइस, आई शुड से कि आप लोगों को एक बार यहाँ पे आना चाहिए और पराठा और चीला दोनों ही चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अभी मैं गुलाब जामुन और लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं तीखा ज़्यादा खाता नहीं हूँ, और तीखा मैंने आज बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो मिर्च लग रही है, मिर्च बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी हम लोग एक गुलाब जामुन और लेने वाले हैं, और चीला बेस्ट है, पराठा बेस्ट है। थैंक यू सो मच भानु भैया, आप यहाँ लेके आए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं वो लोग भी यहाँ पर आएँ और टेस्ट करके ज़रूर जाएँ। चीले का प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक 30 रुपये का था चीला। पैसा वसूल है, सच में पैसा वसूल है। क्योंकि साइज़ जो देखा ना वो एक प्लेट में तो आ भी नहीं रहा, प्लेट भी इनकी कोई छोटी प्लेट नहीं है, प्लेट भी बहुत बड़ी है, और इसमें पूरे में आ नहीं रहा था, डबल करके इन्होंने रखा। तो कहते हैं ना कि बेस्ट है क्वालिटी वाइज भी, प्राइस वाइज भी। 30 रुपये का 100 ग्राम उन्होंने पराठा दिया, 30 रुपये का ये चीला, तो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है। तो मैं तो कहूँगा आप लोगों को गाइस आना चाहिए यहाँ पे और टेस्ट करना चाहिए ज़रूर। भाई भाई एक बार लोकेशन बता दो दोबारा। हाँ मैं एक बार लोकेशन ज़रूर बताऊँगा एक बार और। सो गाइस, ये रंगेश्वर मंदिर होलीगेट पे है, रंगेश्वर मंदिर उसके ठीक पास में इनका नाम है दुकान का श्री ज्योति फूड्स। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, और चीला और पराठा और गुलाब जामुन और वेराइटी इन पर बहुत सारी हैं, बट मैं अभी ये 3 चीज़ें ही ट्राई करी हैं, तो आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं उसको। हाँ गुलाब जामुन अभी बाकी है, वो मैं अभी और टेस्ट करने वाला। सो गाइस, फाइनली द बेस्ट थिंग मेरे सामने है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, गुलाब जामुन। ठंड में गरम गरम गुलाब जामुन, गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा, और तीखे के बाद तो मीठे का मज़ा ही अलग है। तीखा जो मैं खाया है ना इतना सारा, उसके बाद ये मीठा गुलाब जामुन, और टेस्ट करते हैं। गुलाब जामुन जो है एकदम मुँह में घुल जाएगा आपके, पता भी नहीं पड़ेगा, मतलब बिल्कुल सही बात, मुँह में जाते ही ना चबाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और वो मुंह में ही घुल गया सच में गाइस। एक और हाँ। एक गुलाब जामुन और जाएगा। और तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इनकी जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैं कहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आके ट्राई करिए मिस्सा पराठा, चीला, और जो आपको ट्राई करना हो यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ढोकला है, तो आप लोग यहाँ आइए और ज़रूर टेस्ट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी मैं नई नई वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए चैनल को, और उसके बगल में ही बेल नोटिफिकेशन है वो भी दबा दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।